नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में और उसके लक्षणों के बारे में और उसकी की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कौन सी अच्छी मेडिसिन है या कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम लोगों को लेना चाहिए जब हमको डेंगू हो जाए। डेंगू के क्या सिम्टम्स होते हैं, आइए चलिए देखते हैं। डेंगू में हमको बहुत ही ज़्यादा बुखार आता है, कम से कम तेज़ हेडेक होता है, नोजिया फील होती है, मींस वॉमिटिंग फील होती है, ऐसा लगता है कि हमको जो है उल्टी आ जाएगी। हमारे हाथ पैरों में बहुत ही तेज़ पेन होने लगता है, हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है, नीक में पेन होने लगता है और रैशेस निकलने लगते हैं। आइए चलिए हम लोग बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि डेंगू के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेडिसिन का नाम है इपोटोरियम पर्फ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फोटो अगर ब्लर होगी तो मत परेशान होइएगा, मैं इसकी फोटो जो है बाकायदा वीडियो में आपके लिए, आप सभी के लिए लगा दूंगा। अगर हम इस मेडिसिन के बारे में बात करें तो पेशेंट को मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, कम लमसम 7 बजे से 9 बजे के बीच में उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी, उसका गला बहुत सूखेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगी, पानी की प्यास बहुत लगेगी और उसके जॉइंट्स में बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा। जिसको भी डेंगू हुआ है तो हमको ये मेडिसिन किस तरीके से लेनी है, मेडिसिन की एक आप 100 ml की फाइल ले लीजिएगा, किसी भी होम्योपैथ की शॉप पे मिल जाएगी, आसपास में आपके होम्योपैथ की शॉप होएगी ही, अगर नहीं होगी तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी बहुत आराम से इपोटोरियम पर्स मिल जाएगी। इसकी आप 30 ml की ले सकते हैं, वैसे मैं नॉर्मली 100 ml का यूज़ करता हूँ बिकॉज स्टॉक में भी होना चाहिए। 30 ml आप अपने लिए घर में आप ला के रख सकते हैं। 30 ml की एक फाइल आप लीजिएगा, उसको आधे आधे घंटे से, अगर आपको बुखार बहुत ही ज़्यादा आ रहा है तो उसको आधे आधे घंटे से कंटिन्यू आप दो दो बूंद डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं और कोशिश करिएगा हल्के से गुनगुने पानी में लीजिएगा, जिससे कि मेडिसिन आपको और भी ज़्यादा अच्छे से असर करेगी। बाद में जैसे आपको आराम मिले वैसे ही मेडिसिन आप दिन में 4 बार सुबह दोपहर शाम रात कर दीजिएगा। ये मेडिसिन कम से कम आप 1 हफ्ता से 10 दिन खाइए, आपको बहुत तेजी से आराम भी मिलेगा और जो प्लेटलेट्स आपकी कम हो गई हैं वो भी प्लेटलेट्स आपकी जल्दी से रिकवर होंगी। आप सभी को ऐसी ही मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देता रहूंगा। और जानकारी लेने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। नमस्कार।